अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा किस क्लास में पढ़ते हैं? पांचवा। पांचवा। एक भाई है जो मुफ्त में सारे बच्चे को पढ़ाते हैं और बिहार के शिक्षा व्यवस्था में इतना सुधार है कि ये भाई जो है ये बच्चों को देखिए अपने घर पे फ्री में शिक्षा देते हैं। कितना बिहार का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है कि देखिए आज फ्री में इनको पढ़ाना पड़ रहा है, वो भी बच्चे को, और सामने एक स्कूल भी है। क्या नाम है आपका? आकाश मित्रा। अच्छा कब से बच्चों को पढ़ाते हैं? करीब एक साल से। एक साल से जी। क्यों पढ़ाते हैं? सर देखिए गरीब के बच्चे हैं, ठीक है, ये लोग तो अच्छे स्कूल में पढ़ भी नहीं पाते, ये लोग के पापा घर के लोग उतना सक्षम भी नहीं है, ना अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, ना कोचिंग कर पाते हैं। और सरकारी स्कूल में होता है पढ़ाई, ठीक है, लेकिन थोड़ा इधर उधर भटक रहे थे हम, देख रहे थे बिगड़ रहे थे बच्चे सब, गलत रास्ते जा रहे थे, इसीलिए हमने ये मुहिम पढ़ाते हैं। एक साल से। एक साल से जी। अच्छा कहाँ तक के बच्चे को पढ़ाते हैं? जैसे कि जितना भी छोटा कोई भी बच्चा मेरे पास आ जाता है तो उसको हम पढ़ा देते हैं, किसी भी क्लास का हो। अच्छा फीस भी लेते हैं? नहीं नहीं पूरा फ्री, पूछ सकते हैं, एक एक बच्चा से पूछ लीजिए। अच्छा हाँ। कितना रुपए लेते हैं? एक भी रुपए नहीं, एक भी नहीं लेता है। एक रुपए लेते हैं? नहीं लेते हैं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? दादा बाबू। अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। अच्छा देखिए छोटा सा बच्चा बता रहा है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। क्या नाम है उनका पूरा? नहीं पता। अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा किस क्लास में पढ़ते हैं? पांचवा। पांचवा में जी। टेन का स्पेलिंग? TEN। टेन टेन मीन्स 10। और पिताजी क्या करते हैं? कमाते हैं बाहर। बाहर में कमाते? अच्छा ये फ्री में पढ़ाते हैं जी। कब से पढ़ती है? एक साल से। एक साल से। अच्छा कभी फीस मांगते हैं कि नहीं? नहीं मांगते। अच्छा घर के लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, आते हैं पढ़ने। अच्छा घर पे बोलती हो कि नहीं कि पैसा मांग रहे हैं सर? नहीं बोलते। नहीं मांगते ही नहीं है पैसा? नहीं। अच्छा सर जी घर बनवा दीजिए, नहीं हमें आत रहे हैं। घर? अच्छा घर में 200 लड़का है, नहीं आत रहे हैं। 200 बच्चे जी। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी पिछड़े इलाके के हैं ये बच्चे, और इनके घर में उतना साधन नहीं है और पैसा नहीं है कि ये लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में विद्या पा सके। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास करीब 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे। अच्छा तो आपका खर्चा कैसे चलता है? दुकान है मेडिकल। अच्छा कैसे समय निकालते हैं? समय उसी में से निकाल लेते हैं, पापा बैठते हैं तो आते हैं पढ़ाने सुबह शाम। हाँ, तीन तीन घंटा जी। कब कब? सुबह 6 बजे से 9 बजे और शाम 4 बजे से 7 बजे 8 बजे तक। अच्छा आपके घर के लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, घर के लोग ही के सपोर्ट से तो कर रहे हैं, घर के लोग बोलते हैं जाके पढ़ा दो अगर। अच्छा सरकार की तरफ से कोई अनुदान या कोई मदद मिला? नहीं हमको कोई मदद उदद नहीं मिला है। सांसद जी विधायक जी यहाँ कोई सांसद विधायक मेरे, हम सांसद लोग सभी जो प्रत्याशी लोग हैं या जो किसी भी पार्टी से खड़े हैं, ठीक है, मेरे वाल्मीकि नगर क्षेत्र से, आप सभी लोगों से मेरा नर्म निवेदन है कि घर बनवा दीजिए, उस घर में नहीं हो रहा है 200 बच्चों का जगह। हाँ। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लोग का बैठने का जगह नहीं है, तो सरकारी स्कूल से दरी लाए हैं मांग के। हाँ ये बात पूछ सकते हैं लोग से। अच्छा जी कोई साथ नहीं आ रहा है, कोई नेता मंत्री कोई नहीं, कोई सांसद विधायक कोई नहीं, किसी पार्टी का नहीं। आप ही लोग देते हैं जाति पाति के नाम पर? हाँ वो बात सही है, जाति पाति के नाम पर वोट हम ही लोग देते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, वोट देना चाहिए जात के? नहीं नहीं जात पात के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। तो फिर आप तो शिक्षक हैं, आप क्यों देते हैं? नहीं इस बार सोचा जाएगा, इस बार नहीं दिया जाएगा। यानी पहले जात के नाम पे वोट देते थे? हाँ पहले से। कौन तो जात से हैं? हम बंगाली हैं। बंगाली? जी बंगाली। अच्छा बंगाल से कब आए भैया? हम लोग बहुत पहले आए, बहुत पहले, हम लोग का जन्म यहीं पे हुआ है। अच्छा हाँ तो देख सकते हैं सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा बंगाली में पढ़ाते हैं कि भोजपुरी में? भोजपुरी में, हिंदी में। हिंदी भोजपुरी? बंगाली एक भी बच्चा नहीं है यहाँ पे। अच्छा हाँ। अच्छा बंगाली बोल लेते हैं? जी बोल लेते हैं। अच्छा बंगाल जाते हैं कि नहीं? नहीं हम नहीं जाते। अब नहीं जाते? कभी नहीं जाना है, बिहार में, बिहार में रहना है। अच्छा आज ये थोड़ा सा बच्चे से भी जान लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रोशन। किस क्लास में पढ़ती हो? दूसरा। दूसरा में पढ़ती हो? क्या क्या याद है? याद है ABCD? थोड़ा ABCD सुनाओ। नहीं नहीं है यार। अच्छा पढ़ाई में मन लगता है? पढ़ाई में मन लगता है? किस क्लास में पढ़ती है? दूसरा। दूसरा में? रो काहे रही हो?
देखिए छोटी सी बच्ची है। अच्छा आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा क्या बनना है तुमको? पुलिस। पुलिस बनना है जी। तो घूस कमाना है? घूस नहीं, घूस लोगी या नहीं लोगी? नहीं लेंगे, गरीबों का मदद कीजिएगा या नहीं? करेंगे। अच्छा देख लीजिए, बाकी आप लोग इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अच्छा जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं? सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, आज तक नहीं मांगे हैं, ठीक है? हम कहते हैं कि इन बच्चों सबके बीच में कभी आइए और इन बच्चों सबको जो दिक्कत जो परेशानी हो रहा है उसका उसको थोड़ा पूरा करने का प्रयास कीजिए। संपर्क करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं? एड्रेस या कुछ बता दीजिए। मेरा नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर बता दीजिए। 7250-83-54-47। 7250-83-54-47। एड्रेस पिपरा चौक, गौनाहा प्रखंड के बजरा पंचायत के पिपरा चौक पर मेरा। नरकटियागंज से कितना दूर? नरकटियागंज से 14 किलोमीटर सीधा मेन रोड पर मेरा घर है। देखिए काफी महिलाएं हैं जो जिनको भी दिखा दीजिए। अच्छा चाची हैं, आ जाइए चाची, पढ़ाते हैं तो रुपये भी लेते हैं। देखिए महिलाएं हैं, ये बोल नहीं पाती है। बाकी आप लोग देखिए और इनको लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।